हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो की, मुगल साम्राज्य सामान्य ज्ञान की जो बुक है लूसेंट की, ये इसका होगा भाग 9। मुगल साम्राज्य में जो जो शासक रहे उन सब की एक लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाई है और इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने लास्ट संडे एक लाइव स्ट्रीम करा था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे इस बुक के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे कोई पीडीएफ भेजता है मोबाइल से स्कैन करके, एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाने का एक ऐप आता है, तो 2-3 बच्चों ने ही केवल इसके प्रति काफ़ी सीरियस रहे, उन्होंने मुझे कॉल भी करी, काफ़ी प्रयास करा, लेकिन वीडियो की जो मतलब जो पीडीएफ की जो क्वालिटी थी, कैमरे की क्वालिटी उनकी कुछ खास नहीं थी, तो इसलिए मुझे उनको रोकना पड़ा। केवल 2 स्टूडेंट थे ऐसे, केवल और केवल 2 स्टूडेंट जिन्होंने ट्राई करा बस। बाकी की डिमांड आती रही कि सर ज्योग्राफी का अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो, सीजल आने वाला है, मेरा सीपीओ आने वाला है, मेरा यूपीएसआई आने वाला है, डिमांड सबने दिखाई, लेकिन छोटी सी हेल्प एक पीडीएफ की थी। चलिए मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने एक बात और कही थी कि वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, कुछ खर्चे भी आते हैं इसमें, जैसे मंथली नेट का खर्चा आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग जिस हम डिवाइस से करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर से करते हैं उसका एक खर्चा होता है, फिर टाइम खर्च होता है। मैंने एक प्रिंटर भी आपको दिखाया था लाइव स्ट्रीम में कि मैंने एक प्रिंटर परचेज़ करा है केवल केवल इस बुक की स्कैनिंग के लिए। तो शायद कुछ लोगों को ये लगा, एक स्टूडेंट को ये लगा था कि मैं शायद अपने खर्चे गिनवा रहा हूँ, तो उसने मुझे 30 रुपये ट्रांसफ़र करे थे मेरे अकाउंट में, तो मैंने उसको उसके 100 रुपये सेम टाइम पे आधे घंटे के अंदर रिफंड कर दिए, 30 रुपये का 100 रुपये। पता नहीं उसने क्या सोच के मुझे ये कंट्रीब्यूट करा, मुझे समझ नहीं आया। बाकी मैंने फिर ज़्यादा उससे बात नहीं करी है, तो प्लीज़ इस तरह का कंट्रीब्यूट आप मत करना। पेटीएम नंबर मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वो अलग मैटर है। तो उसने क्या करा, मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ, काफ़ी अजीब लगा मुझे उसकी बात का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ऐसा एक स्टूडेंट था, शायद वो वीडियो को आज भी सुन रहा होगा। तो बस प्यारे बच्चों, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का कंट्रीब्यूट प्लीज़ मत करिए। मुझे पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन मुझे इस बूंद बूंद से घड़ा फिलहाल अभी नहीं भरना है, ठीक है। जब आप एलिजिबल होंगे, अभी ठीक है कि आपका हाथ टाइट है, आप नहीं दे पा रहे हो, जॉब करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, घर की घर में कुछ पैसा भेजना पड़ता होगा, तो आप चलने दीजिए। बट ये छोटे मोटे जो सहयोग होते हैं, जैसे कि मैं आपसे पीडीएफ मांग रहा हूँ स्कैन करके, मुझे आप पीडीएफ भेजिए। लास्ट टाइम मैंने आपसे बहुत बोला, वीडियो नहीं बन पा रहा है, जो पहले की जो फाइल थी, जो पीडीएफ था, उसमें वीडियो की क्वालिटी, पीडीएफ की क्वालिटी साफ नहीं आ पा रही है, वो तो सब मैंने आपको साथ डिस्कस करा था। लेकिन उसके बाद आप कंट्रीब्यूट ये करते हो कि आप मुझे 15 रुपये, 30 रुपये भेजेंगे। शायद पहली बार उसने करा मुझे सेंड, मेरा दिसंबर से चैनल बन रखा है, तब से मुझे पहली बार किसी ने सेंड करे हैं वो 30 रुपीज़। हाँ, 30 रुपीज़ से उससे ऊपर नहीं थे, मुझे याद है अब तक। तो अब लगाइए कि आप इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इस तरह से कंट्रीब्यूट प्लीज़ मत करिए। अगर कर सकते हो ना, वैसे जो फिजिकल हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है कि सर हम स्कैन करके आपको पीडीएफ देंगे, तो इस तरह की हेल्प आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो खर्चे हो रहे हैं जितना मुझसे वहन हो पाएगा, जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, उतना मैं खर्चों को उठाऊंगा, वरना शायद मैं इस चैनल को कुछ टाइम के बाद डिलीट करने की कगार पर अब हूँ, क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और सपोर्ट करने वाले कुछ खास सपोर्ट अब नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या एक्चुअली स्टार्टिंग से किसी सब्सक्राइबर ने केवल कमेंट्स करा, मुझे सपोर्ट नहीं करा किसी भी एंगल से, तो शायद मैं चैनल को जब भी डिलीट करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जब भी होगा, मतलब बहुत जल्द होगा, क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, और आपको अगर अपने समय काफ़ी प्यारा है, आपके पास कैमरा भी है, सही सब कुछ सही, आप सेल्फी तो लेते हैं, लेकिन अगर काम की एक छोटी सी क्लिक आप मोबाइल से नहीं कर सकते, तो बताइए फिर मैं भी कहाँ तक आपको सपोर्ट करूँगा, बताइए। क्योंकि एक्चुअली रिकॉर्डिंग में काफ़ी टाइम लगता है, सेटिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग अगर बीच में कुछ ज़्यादा साउंड आता है बैकग्राउंड से, तो पूरी वीडियो को क्लोज करना पड़ता है, दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अगर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग बन रही है और 4थे मिनट पे ही, या माने कि 25वें मिनट पे कुछ पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ गया, तो मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी सारी। तो हर यूट्यूबर्स मेहनत करता है, तो आप भी मेहनत करिए और सीरियस तरीके से तैयारी करिए। मैं मैक्सिमम वीडियो में यही बोलता हूँ, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाएंगे तो प्लीज़ आप बनाइए ध्यान से, ईमानदारी से पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। और ये पेटीएम वाला कंसेप्ट प्लीज़, इस तरह का पेटीएम प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी स्टूडेंट मत दिखाना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। 20 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये वाला मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी थोड़ा एग्री नहीं हूँ। मुझे उस दिन काफ़ी गिल्टी फील हुआ कि यार ये लड़का मुझे क्या समझाना चाहता है, ये क्या इतना भेज के मुझे बताना चाहता है। उसका एक मैसेज भी आया था, तो उसमें जो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ उस रुपये को लेकर के, उसका अर्थ मैसेज में यही था, जो मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव इतना उसको लेकर के। बाकी वो समझदार है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। यह है लुसेंट बुक। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ इस बुक को परचेस कर लेना और इस वीडियो के साथ में उसको टैली करना। तो ये बुक की जो स्कैनिंग करी है मैंने खुद करी है, एक एक पेज को फाड़ करके बैक टू बैक ढंग से उसको स्कैन करा है। कहीं पर भी आपको दबा हुआ साइड का एरिया नहीं मिलेगा, जैसे कि बुक में होता है स्कैन करते हैं मैक्सिमम तो एक साइड का एरिया छुप से जाता है। तो एक एक पेज को फाड़ करके स्कैनिंग मैंने खुद अपने मोबाइल के कैमरे से करी है। तो PDF कैम स्कैनर साइड में आप देख रहे हैं, नीचे में लिखा हुआ आएगा, तो मतलब मोबाइल से ही मैंने स्कैन करा है ये भी। क्योंकि प्रिंटर में जो ट्रे होती है, ट्रे में पेपर जाम हो रहा था, प्रिंटर परचेज़ करने के बाद में भी उसमें पेपर जाम होता है, क्योंकि इसके पेपर की जो थिकनेस है वो बहुत कम है और A4 जो पेज लगता है प्रिंटर में वो अलग होता है। तो थिकनेस की वजह से पेपर जाम, किताब सारी ख़राब। दूसरी बुक परचेज़ करी, उसके बाद में बुक को फाड़ा और मैं खुद सेल्फ काफ़ी कम पेजेस मैंने स्कैन करे हैं। तो प्लीज़ इस PDF मांगने का प्लीज़ आप डिमांड मत रखना, मुझे PDF भेज दो। तो PDF में एक एक करके नहीं भेज पाऊंगा किसी को। देखिए, मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, इसके संस्थापक की। तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका संस्थापक था आपका बाबर, पहले से हाईलाइट कर रखा है। तो क्या था इसका? बाबर था। संस्थापक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी और साथ ही क्या करा था इसने? इसने करा था पद पादशाही की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? पद पादशाही की इसने स्थापना करी थी। आगे बात करते हैं, जिसके तहत शासक को क्या कहा गया? बादशाह कहा जाने लगा। ठीक है, कहते हैं ना बादशाह कहाँ का है। ठीक है, बादशाह जो शब्द का जो उत्पत्ति करी थी वो भी किसने करी थी? बाबर ने करी थी। अब बाबर से संबंधित कुछ बातें हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कि बाबर का जन्म कब हुआ था, उसके पुत्रों का नाम क्या था। हम केवल याद करेंगे कि इसकी क्या क्या नीति थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में और इसके पिता का नाम क्या था? इसका पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और फिर हम बात करते हैं कि हुमायूं के जो चार पुत्र थे उनका नाम क्या था। हुमायूं के चार पुत्र थे लेकिन इसमें से जो फेमस था वो था हुमायूं कामरान। ठीक है, हिंदाल ने बहुत ही कम ही एक्टिविटी करी थी लेकिन हुमायूं और कामरान काफ़ी फेमस इसमें इसके पुत्र रहे, जो काफ़ी फेमस हुए। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा? आपसे एग्जाम में ये पूछता है, तो वो करा था 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो ये नोट्स आप बनाइए। संस्थापक बाबर था मुगल का, पद पातशाही की स्थापना करी थी, बादशाह उसको कहा जाता था, इसका जन्म हुआ 1448 में, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, इसके चार पुत्र थे हुमायूं और कामरान, अस्कारी और हिंदाल। लेकिन इसने क्या करा? बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण करा। ये संख्या पूछता है UPSC का, जिसका भी एग्जाम है सेप्टेम्बर में, वहां पर यह संख्या कई बार पूछी गई है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला जो अभियान था वो कब था? वो था 1519 ईस्वी में, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध करा था इसने। और आगे हम बात करते हैं पानीपत का जो प्रथम जो वॉर हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। मतलब कि पानीपत का जो पहला वॉर हुआ था उसमें कौन सी नीति अपनाई गई थी? उसको बोलते हैं तुगलमा युद्ध या फिर तुगलमा नीति। इसको बोलते हैं तोप खानों का इसने पहली बार इसमें प्रयोग करा था। किसका प्रयोग करा था? तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी और तोप खाने का प्रयोग करा था। राइट बच्चों, बस केवल जो जो हाईलाइट मैं करते जा रहा हूँ, जो पहले से मैंने पेन से कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने लिए कर रखा है कि मुझे जल्द से जल्द आसानी रहेगी आपको हाईलाइट करवाने में। पहले बुक में मैंने कर रखा है ब्लू पेन से, ये हाईलाइट है, उसके बाद में मैं इसको मार्कर से भी हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए। पढ़ो और बढ़ो, बस टारगेट ये है बच्चों मेरा। पानीपत का जो प्रथम वॉर हुआ था वो कब हुआ था? आपसे मंथ और डेट नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है 1526 में। ठीक है, इसके जो प्रथम युद्ध थे बाबर के, केवल हम बात कर रहे हैं बाबर की इस टॉपिक पर कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, तो किस किस के बीच में हुए थे ये आपको याद केवल करना है। पानीपत का, खानवा का और घाघरा का, हो सके चलिए ठीक है सब कर लीजिए आप याद। ठीक है, देखिए पानीपत का जो पहला वॉर हुआ था 1526 में हुआ था। बात करते हैं खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में, मतलब 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528, 1529। आप याद करिए, पानीपत का पहला वॉर, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सीरीज आप याद रखिएगा। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ ये आपको याद रखना है। बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था, बाबर इसमें विजयी रहा। परिणाम, बाबर की जो युद्ध नीति थी काफ़ी सही नीति थी, युद्ध नीति जो थी बाबर की, और सब में क्या रहा ये विजयी रहा। तो पानीपत का पहला वॉर 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध क्या हुआ 1529 में हुआ। आगे बात करते हैं, इब्राहिम लोधी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत में युद्ध
स्थल में मारा गया था। अब हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त करा था। ठीक है, कोहिनूर हीरा किसके पास था और किसने प्राप्त करा था? हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त करा था, ये ग्वालियर के राजा थे, इनके परिवार से। और बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि से किसको जाना जाता है, या कलंदर की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो वो प्राप्त थी बाबर को। किसको? बाबर को। और खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। कौन सी? गाजी की उपाधि धारण करी थी। कौन से युद्ध में विजय के बाद में? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? अभी हमने देखा था, खानवा का युद्ध हुआ था पानीपत के ठीक बाद 1527 में। कब? 1527 में। तो बाबर इसमें विजय रहा था, तो उसके बाद में क्या हो गया, इसको गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। और 30 जनवरी 1548 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? उसको जहर दिया था 1528 में। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की डेथ हो गई थी। मात्र 48 वर्ष की आयु में इसकी डेथ हो गई थी। प्रारंभ में बाबर का जो शव था, उसकी बॉडी थी, उसको दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाद में क्या हो गया, काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया था। देखिए क्या होता था कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, वो अपनी इच्छा करते थे जाहिर कि उनको दफनाया कहाँ पे जाए। मतलब कि उन जैसे कि उन्होंने कोई स्थान को जीता, वहाँ पे उन्होंने भ्रमण करा, घूमे फिरे, उनको अच्छा लगा, काफ़ी पवित्र स्थान है, गंगा यहाँ पे बहती है, यमुना यहाँ पे बहती है, तो पूरा डिसाइड करते थे। और एक घोषणा पहले से ही, मरने से पहले डिसाइड कर लेते थे कि मुझे कहाँ पर दफनाया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना करी। बाबर की आत्मकथा क्या होगी? बाबर नामा। तो ये इसकी आत्मकथा थी बाबर की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने करा था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने करा था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। कौन सी भाषा में अनुवाद करा था? ये करा था आपकी फारसी भाषा में। ठीक है, बाबर नामा थी और इसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन करा है। और अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, जो कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में डिवाइड आयतकार, मतलब एक रेक्टेंगल के रूप में होते थे, और चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। ये चार भागों में डिवाइड होते थे, उससे बोलते थे इसको चार बाग। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। तो चार बाग की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी अकबर के समय में। तो एग्जाम में ये भी पूछता है आपसे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? वो था हुमायूं। आपने एक देखा होगा, एक ऐड आती थी टीवी पर कॉम्प्लेन की या हॉर्लिक्स की, मुझे नहीं पता, पापर ये उसमें था कि गाना आता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, शायद आपको याद आ गया होगा ऐड। तो उसमें बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं ने इसका राज्य भार संभाला, ये उसका उत्तराधिकारी बना। अब हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। तो देखिए, बस केवल इतना ही था। अब आप सोचेंगे कि मैं एक ही लाइन आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ के सुनाऊंगा, तो शायद पूरी बुक को ख़त्म करने में शायद 3 से 4 साल लग जाएंगे। जी हाँ, वीडियो बन रहा है, ये ऑडियो नहीं। आप चाहें तो ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो में सीधे कट टू कट बातें करी गई हैं, केवल एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाई गई है। तो देखिए, देखते देखते आपको मैं एक एक लाइन को बोलूंगा, केवल नहीं, केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप प्लीज़ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आगे बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ था? बदख्शां का। ठीक है, बदख्शां का क्या था? ये सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्कारी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और एवं मेवाड़ का जागीर दे दी। मतलब कि ये संपत्ति अब तुम्हारी है, इसने पूरा पूरा बंटवारा कर दिया। लेकिन अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश सौंपा।
1543 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना करी थी। ठीक है, जैसे ही ये बैठा उसने बोला कि देखो राजगद्दी पे बैठने के बाद में शायद भाइयों में आपस में कुछ झगड़ा ना हो जाए कि राज्यभार सारा तू ही ले रहा है, हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो उसने क्या करा, पूरा बंटवारा स्टार्टिंग में कर दिया। ये इसने यहाँ पे समझदारी दिखाई थी वैसे। ठीक है, और 1533 में क्या हुआ, हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना करी थी। दीनपनाह नगर की स्थापना किसने करी थी, याद रखिएगा, वो करी थी हुमायूं ने, और कब करी थी, 1533 में। अब हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। जो ये चौसा का युद्ध है ये 25 जून 1529 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में स्थित हुआ था, के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण करी थी। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 17 मई 1540 में, शेर खां एवं हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था हुमायूं के बीच में और शेर खां के बीच में। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा अपना जीवन व्यतीत करा। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंडाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निगाह कर लिया, विवाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो मतलब अकबर की माता का नाम क्या हो गया, अकबर की माता का नाम हो गया हमीदा बानो बेगम। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का जो क्रम है वो किस प्रकार से, आप याद रखिएगा, बात कर रहे हैं हुमायूं की। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1529 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में एवं सिरहंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। और 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह के भवन में पुस्तकालय से गिर करके सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की डेथ हो गई। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस शासक के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद मृत्यु हुई थी और अंत हुआ था, तो उसका नाम है हुमायूं। ठीक है, ये एक्चुअली एक सेकंड फ्लोर था, वहां से ये किताब लेकर के नीचे आ रहा था। तो किताब का वेट एक्चुअली बहुत ज्यादा था, कहते थे ये अपने हाथ में खुद ही अपनी बुक पकड़ता था। पीछे दास वगैरह होते थे, दासी वगैरह होती थी, लेकिन ये क्या करता था, बुक को खुद ही कैरी करता था। तो अचानक से इसका सेकंड सीढ़ी से कहते हैं कि वो पैर स्लिप हो गया, बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि बाबर की भी हाइट एक्चुअली बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बाबर कोई छोटा मोटा नहीं था, हाइट हेल्थ के हिसाब से बहुत सही था ये, और इसका वेट भी सही था, और इसका वेट नहीं, इसका बैलेंस पूरा खराब कर दिया और गिर करके इसकी डेथ हो गई। तो याद रखिएगा कब हुई थी, 1556 में, और दीन पनाह भवन में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के बाद में इसकी डेथ हो गई। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, डेथ और कौन सा भवन था, भवन का नाम दीन पनाह भवन, और ये क्या थी, इसमें एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से गिरने के बाद में इसकी डेथ हो गई। राइट बच्चों, शायद आपको ये क्लियर हो रहा होगा हर चीज। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है, एक एक लाइन में आपको बच्चों की तरह पढ़ के नहीं बताऊंगा। अगर आपको पढ़ने का मन है, कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों पढ़ो और बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने करी थी, गुलबदन बेगम ने करी थी, ये इसकी कजन थी। ठीक है, ये इसकी चचेरी बहन थी। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में काफी बिलीव रखता था। ठीक है, और ये क्या करता था, सातों दिन सातों अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, जैसे कि वीरवार के दिन पीले कपड़े पहनता था। ठीक है, तो सातों दिन सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था, कौन से शासक पहनता था, तो उसका नाम बताइए। आपको चार ऑप्शन देगा, बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह। तो आपको याद रखना है हुमायूं के बारे में हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो हुमायूं क्या था, सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अब हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था अफगान वंशीय था ये शेर शाह सूरी। शेर शाह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका होशियारपुर में। कहाँ पे हुआ था, होशियारपुर में। और इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये था फरीद खां। और इसके पिता का नाम क्या था, जौनपुर था। इनके पिता हसन खां थे, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार में, फरीद नाम था इसके बचपन का, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। अभी हम बात करेंगे फरीद, शेर शाह नहीं बोलेंगे हम इसको। ठीक है, शेर शाह सूरी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो अभी जो फरीद था, छोटा बच्चा था ये, इसने क्या करा, शेर को केवल एक ही तलवार के वार से मार डाला।
और इसी बहादुरी से इसका नाम पड़ा शेर शाह सूरी। क्या नाम पड़ा इसका? शेर शाह सूरी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि किसने प्रसन्न होकर, इसके बहादुरी पर प्रसन्न होकर बिहार के एक अफगान थे, कहाँ के ये थे आपके, बिहार के एक अफगान जिनका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी, ठीक है, उन्होंने प्रसन्न होकर के उसको शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह कौन से युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध, और ये कब हुआ था? 1540 में। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई थी। और कालिंजर का शासक कौन था? कालिंजर का शासक का नाम था कीरत सिंह। क्या था? कीरत सिंह। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था। सासाराम में, ठीक है, ये ऊंचे पर्वत पर इसका मकबरा बनाया गया था। देखिए, आप बुक को लेके बैठना और ये सब चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, वो आप खुद भी हाईलाइट करना अपनी बुक में, ठीक है। और बुक को आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसको आप उठा सकते हैं। देखिए, उसमें एक एक लाइन बिल्कुल सेम है और नई बुक में बिल्कुल सेम है। जिसके पास नई बुक है वो नई बुक उठाइए, उसमें आपको सेम डिट्टो प्रिंटिंग मिलेगी और आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास रियल में बुक नहीं है तो अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बुक परचेस करने का बिल्कुल मूड नहीं है और ना ही आपके पास बुक है, डायरेक्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट नोट्स बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, रोहतासगढ़ किला, किले एक कोहना, दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। और शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था इस्लाम शाह, उसका नाम था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गंज और सने डंडे का प्रयोग करा। तो देखिए, एग्जाम में केवल पूछता है आपके सने डंडे का प्रयोग किसने करा था, कौन से शासक ने करा था, तो वो करा था शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह के द्वारा करी गई थी। कोई भी प्रथा होती है, प्रथा काफी इंपॉर्टेंट होती है, और किसने शुरुआत करी थी वो नाम पूछता है, तो वो शुरुआत करी थी आपकी कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करा, ठीक है। पटना, ये पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करा। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जो रोड हुई तो इसकी मरम्मत का कार्य किसने करा था, या ये किसने बनवाई थी, इसका निर्माण किसने करा था? जिसने मरम्मत कराई मतलब उसने उसका निर्माण कराया। जैसे आप देखते हैं कि कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन स्टार्टिंग किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। लेकिन एंड किसने करा था, जो उसकी मरम्मत कराई थी फाइनली, वो करी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसलिए तो कुतुब मीनार का नाम उसके नाम पे पड़ गया। तो शेर शाह ने केवल इसकी मरम्मत कराई थी, ये रोड नहीं बनाई थी, फाइनली क्या हो गया, उसी के नाम पे ये पड़ गया। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था शेर शाह ने। और मलिक मुहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। और डाक प्रथा का जो प्रचलन था, डाक प्रथा का प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। अब उसके हम बात करते हैं अकबर के बारे में, ठीक है, सम्राट अकबर के बारे में। बहुत अच्छा ये पर्सनैलिटी है। तो अकबर का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1556 से लेकर के 1605 में। पहले आपको इसके शासनकाल टोटल कब से कब तक रहा था वो याद करना है। सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1542 में। कब हुआ था? 1542 में। और हमीदा बानो बेगम, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, इसके गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई थी अकबर की, और राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। अवस्था काफी कम थी इनकी। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे। बैरम खां 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। पूरी जो युद्ध की नीति सिखाई वो किसने सिखाई थी? 1556 से लेकर 1560 तक के बीच में बैरम खां ने। तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, पहले से इसमें टिक लगा रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है। गोडवाना एक क्षेत्र जीता था, उस समय उसके शासक कौन था? वीर नारायण एवं दुर्गावती। कब था वो? वर्ष क्या था? 1564। तो अकबर के द्वारा जीते गए जो भी प्रदेश थे वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। गोडवाना, मेवाड़, कालिंजर, बीकानेर आपको याद करना है, और आपको याद करना है गुजरात। उसके बाद आपको याद करना है सिंध, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इम्पोर्टेंट है आपका बलूचिस्तान और कंधार।
अभी वैसे कुछ बच्चे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनको लग रहा होगा कि यार कि सभी तो आपने हाईलाइट कर दिए, तो मैंने हाईलाइट कितने करे चलो मैं वो गिनवा देता हूँ, ठीक है। केवल मैंने हाईलाइट करे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करे हैं 19 में से जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यही ज़्यादा लग रहे हो तो प्लीज़ इसको नोट मत करिएगा, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं प्लीज़ वो नोट करिए इसको और याद करिए वर्ष कौन सा था और मुगल सेनापति उस समय कौन रहा था उसका नाम। तो आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। जो दक्षिण भारत की ओर उसने प्रदेश जीते थे उसमें से आपको बस केवल एक ही याद करना है, वो है आपका दौलताबाद, ठीक है। उस समय शासक था आपका चांद बेबी और वर्ष था 1599। पानीपत की दूसरी लड़ाई, दूसरा जो वॉर हुआ था, पहला जो हुआ था वो हुआ था 1526 में और दूसरा जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में हुआ था सेकेंड वॉर। एग्जाम में पूछता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी अकबर और हेमू के मध्य। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या किसने करी? मुबारक खां नामक युवक ने। तो ये नाम आप याद रखिएगा मुबारक खां, एग्जाम में यूपी के एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिए। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। एक हरम दल था जो अकबर 1562 में था, उसने इसको मुक्त कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया आपका 1576 में, 1576 में। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति कौन था? उस समय अकबर का जो सेनापति था वो था मानसिंह। महाराणा प्रताप की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 57 ईयर के थे, इनकी उम्र जो थी 57 वर्ष थी और 19 जनवरी 1597 को इनकी डेथ हो गई थी। आप हो सके तो पूरा डेट भी आप याद कर लीजिए। गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र के दर्शन करे थे। दर्शन किसके करे थे? समुद्र के दर्शन किसके साथ करे थे? अकबर ने पुर्तगालियों के साथ में वो मिला, उसने समुद्र देखा, वाओ इतना प्यारा समुद्र। तो सबसे पहले दर्शन जो करे थे अकबर ने वो करे थे पुर्तगालियों के साथ मिलने के बाद में इसने समुद्र देखा था। दीने इलाही, धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? ये था आपका अकबर। कौन था? ये था आपका अकबर। और आगे बात करते हैं, देखिए कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली, ये फोकस करिए, जप्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में बहुत प्रचलित रही, बहुत फेमस रही जप्ती प्रणाली। और अकबर के दीवान का जो नाम था, मतलब खत्री जाति का था ये, टोडरमल, और उसने दहसाल व्यवस्था लागू करी थी। और ये दहसाल व्यवस्था कब लागू हुई थी, किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1580 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछता है आपसे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर के नौ रत्न थे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए डायरेक्ट हम पहुँचते हैं, अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा अकबर के शासनकाल की सबसे फेमस जो थी विशेषता थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए, क्या नाम था उनका? एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप याद रखिएगा, सलीम चिश्ती जो थे समकालीन थे किसके? अकबर के। अकबर के काल में काफ़ी फेमस थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। डेथ जो हुई थी 1605 में हुई थी। और बात करते हैं दफनाने की, दफनाया कहाँ पे गया था इसको? दफनाया गया था सिकंदराबाद में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन थी, मतलब कि कौन कौन से इसने महल बनाए थे? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, आगरा का लाल किला इसने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सब क्या थी इसकी जो काल था उस समय इसने किले इतने बनवाए थे। पहले के राजा महाराजा वैसे बहुत खर्चा करते थे, काफ़ी दिल खुश होता था उनका, मतलब कि ठीक है ये खर्चा कर दिया वो खर्चा कर दिया, क्योंकि पहले एक्चुअली सोने की चिड़िया थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। आज के टाइम पे अगर छोटा सा एक 50 गज का आप किसी सिटी में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे मतलब कि हाईटेक सिटी में अगर आप 50 गज का मकान लेने बैठोगे तो दांत खट्टे हो जाएंगे। और ये देखो कितने महल बनाते थे। चलिए ठीक है, महल बनाया तो ठीक है, हम देखने जाते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल कि अकबर के दरबार को सुशोभित करने के लिए नौ रत्न थे, कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे? अबुल फजल था, फैजी था, तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, अबुल रहीम खान, एक खान था, फकीर था और
मुल्ला दे प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था और अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना करी थी। अकबर नामा किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपका अबुल फजल ने। वह दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। अकबर के साथ बीरबल लगता है कि अकबर बीरबल, ऑटोमेटिक बीरबल निकल ही जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बीरबल एक्चुअली अकबर का सरनेम था। देखिए बीरबल की भी डेथ हुई थी, बीरबल भी एक युद्ध में मारा गया था, तो उस युद्ध का नाम क्या था? किस युद्ध में बीरबल की हत्या हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो था यूसुफ जाइयों का विद्रोह के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी, ये मारा गया था। कभी कभी वो युद्ध का नाम भी पूछ लेता है, शायद इस बुक में आगे आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि कष्टाभरण और वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कौन सी उपाधि दी थी तानसेन को? कष्टाभरण और वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। अकबर ने भगवान दास मतलब आमेर के राजा भारसेल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। और देखिए यहाँ पे आ गया ना आपका, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। काफ़ी फेमस युद्ध रहा था और मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। और रजमनामा युद्ध की पुस्तक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए नगीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। वे महाभारत का नाम जो रखा था वो रखा था रजमनामा। रजमनामा किसका नाम है? महाभारत का, रामायण का, तो आप याद रखिएगा महाभारत का। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो करा था अब्दुल फजल ने अनवर ए सामात नाम से, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया था, और हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थर वेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रजत रंगड़ी का, और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये सब इसके रचनाकार थे जो अनुवाद करते थे। तो इतना नहीं पूछेगा, अकबर के काल को ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट। देखिए अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और अकबर ने बीरबल को अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय बोला, नरहरि को क्या बोला? महापात्र बोला, ठीक है। कवि प्रिय और महापात्र दोनों को उपाधि दी अलग अलग पर्सनालिटी को। बीरबल को बोला कवि प्रिय और नरहरि को बोला महापात्र। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, और चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चार बाग की जो वास्तविक जो परंपरा स्टार्ट हुई थी वो हुई थी अकबर के शासन काल में। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि जो दी थी वो दी थी किसको? अबूसमद को। अबूसमद को क्या दी थी? सीरी कलम की उपाधि दी थी। और बात करी जाए जड़ी कलम की उपाधि जो दी थी वो दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था फारसी। याद रखिए क्या नाम था उसका? फारसी। अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर जो नकारा था, नगाड़ा था नामक वाद्य यंत्र, मतलब अकबर जो था मतलब कि कौन से यंत्र का प्रयोग करता था मैक्सिमम बजाने के लिए संगीत के रूप में, तो वो था आपका नगाड़ा, मतलब नक्कारा बोलते हैं उसको। अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ करता था। सलीम, ठीक है, याद आपको याद आ गया? सलीम अनारकली, चिनवा दो अनारकली को, वो वाली अनारकली, ठीक है। अकबर का उत्तराधिकारी था सलीम, और जो गद्दी पे बैठा था 1605 में, और जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण करी थी। कौन सी? जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण करी थी। और जहांगीर के सबसे बड़ा जो पुत्र था, देखिए जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से इसको जाना जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद करा जाता है। यह जंजीर क्या थी? सोने की बनी थी। अगर आप आगरा में रहते हैं तो आगरा का किला अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये जंजीर देखने को बड़ी आसानी से मिलेगी। जैसे आप एंटर करते हैं तो हमें किसी से पूछ लीजिएगा, थोड़ा अंदर है, चलना पड़ता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे ये न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी और ये पूरी सोने की थी। आज भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा अब गोल्ड उसमें से निकाल लिया गया है, उसमें से अलग गोल्ड की पॉलिश अप कर दी गई है, वो अलग मैटर है। आपको केवल जंजीर देखने को जाना है, ठीक है, आप जाइएगा एंजॉय करिएगा। जहांगीर के सबसे बड़े जो पुत्र थे उसका नाम था खुसरो, ठीक है। खुसरो ने 1605 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करा, 1606 में सॉरी, ठीक है, विद्रोह करा, और जहांगीर को गुस्सा आया, उसने उसको मरवा दिया, ठीक है, मतलब खुसरो को पकड़वा करके कैद में डाल दिया।
अब जब पता करा जहांगीर ने, उसने सोचा कि यार इसकी हेल्प करने वाला कौन इंसान था, इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं था, इसको किसने, मतलब किसने इसको फट्टे पे चढ़ाया, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब उसने पता लगाया तो पता चला कि सिखों के एक पांचवे गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने इसको फट्टे पे चढ़ाया, मतलब इसको उकसाया कि अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करो। और उसके बाद क्या करा, अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है कि अर्जुन देव की हत्या किसने करी थी, ठीक है, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने, तो आपको याद रखना जहांगीर ने ये कार्य करा था। और आगे हम बात करते हैं, देखिए कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा। और नूरजहाँ के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। नूरजहाँ, नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। वास्तविक नाम क्या था नूरजहाँ का, ये था आपका मेहरुनिसा। और जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह करा था। विवाह कब करा था, 1611 में करा था, और उसे नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि से नवाजा था। नूर का मतलब होता है काफ़ी सुंदरता, तो ये सुंदरता का क्या है, महल है, ऐसा कहता था वो उसको, ठीक है। और नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने क्या करा था, चांदी के सिक्के चलाए थे। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, चांदी के, सोने के, इस तरह का ऑप्शन देगा बस आपको लगेगा सोने के सिक्के, काफी महंगे सिक्के होते हैं, लेकिन उसने चलाए थे चांदी के सिक्के, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, नोट्स बनाइए, इसको लिखिए चांदी के सिक्के। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, देखिए कि इस इत्माद उद दौला की उपाधि, जहांगीर के गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि धारण करी थी। नूरजहाँ की माँ थी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहाँ की माँ ने वैसे वास्तव में असमत बेगम जो थी, उन्होंने गुलाब से परफ्यूम बनाना सब कुछ सिखाया था, ये कैसे इन्वेंट होता है, कैसे इत्र निकाला जाता है, वो सब कुछ सिखाया था। आगे बात करते हैं, जहांगीर के पांच पुत्र थे, पांचों पुत्रों के नाम आपको याद रखने हैं। पांचों पुत्र के नाम जो है वो है आपका खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। सीधे हम बढ़ते हैं कि हमजनामा का विषय क्या था, ये था चित्रकला। जो हमजनामा है उसमें अलग अलग चित्रकला मुगलों के काल में कौन कौन सी थी, वो सब इसमें बखान उसका करा गया है। आगे हम बात करें, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, किसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको देगा, चार राजाओं के नाम देगा, आपको याद रखना है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करा था, वो करा था नूरजहां ने। नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करा था। और जहांगीर के शासनकाल में जो था कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था, जो यहाँ पर आया था जहांगीर के सामने व्यापार की दृष्टि से, कि मैं आपके सामने व्यापार करना चाहता हूँ, आपके देश में व्यापार करना चाहता हूँ, हमको परमिशन दो, हमको आज्ञा दो। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रथम आपसे एग्जाम में पूछता है हमेशा, तो आप याद रखिएगा हॉकिंस। और शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे, जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठने का जो राइट रखता था वो था आपका शाहजहां। और सीधे हम बात करते हैं कि इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के पेंशन दे करके लाहौर जाने को कहा। तो इसकी माँ थी एक्चुअली ये, और उसको पेंशन के रूप में इसने बोला कि आप साल का मुझसे 2 लाख रुपए ले लेना और वहां पे एज इसको पेंशन समझो, और फिलहाल मुझसे दूर रहो और मुझे मेरा कार्य प्लीज करने दो, मेरी माँ, ठीक है। तो शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि से नवाजा था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, देखिए बात करते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण जो कराया था वो कराया था शाहजहां ने। अगर आपने ये मयूर सिंहासन नहीं देखा है और दिल्ली में रहते हैं, तो राज जो लाल किला है उसमें एंटर करिए, उसके मेन गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपके सामने मिलेगा छतरी बाजार, उसके सामने आपको ठीक दिखाई देगा आपको मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन एक्चुअली बहुत बड़ा सिंहासन है, तो साफ दिखता है कि शाहजहां की जो हाइट थी, हेल्थ थी, कितना लंबा चौड़ा था। अगर आपने खली देखा है, खली की बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल फाइटर है, जो कुश्ती करता है, खली, ठीक है, तो जितनी हाइट है, जितनी हेल्थ है, खली एक्चुअली मतलब करके हेल्थ वाइज ठीक ठाक है ना, एक्चुअली ठीक ठाक नहीं, एक्चुअली बहुत सही है हेल्थ वाइज। तो मानते हैं कि शाहजहां का जो आकार था, साइज था, वो खली के समान ही था। अगर आप कभी लाल किले में जाते हैं तो आप देखेंगे शाहजहां के वस्त्रों को, आप देखेंगे वहां पे उनका पहनावा, उनकी जो मतलब कि कुर्ते वगैरह होते थे, ठीक है, जो वो कपड़े पहनते थे कितने लंबे चौड़े होते थे, तो आपको साफ चलेगा आइडिया पता कि हाँ यार लंबे चौड़े कुर्ते मतलब किसी लंबे चौड़े इंसान के होंगे, ठीक है। तो वास्तव में इसका हाइट वगैरह सब सही थी इसके, तो मयूर सिंहासन का निर्माण इसने कराया था शाहजहां ने। तो इस तरह से मैंने आपको जो बताया अभी कि कपड़े इतने लंबे चौड़े थे, आप कभी लाल किले जाओ वगैरह वगैरह, तो इस तरह से क्या होगा आपको ये शाहजहां नाम याद अच्छे से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था शाहजहां ने, राइट। आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो की लेंथ एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है मुझे लग रहा है, और काफी कुछ पेंडिंग छूटने वाला है इस वीडियो में। अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो शायद बच्चे बोर हो जाते हैं, वीडियो को कम वॉच करते हैं, और
और वॉचिंग टाइम बहुत कम दिखाई देता है। देखिए, शाहजहां के शासनकाल को बोलते हैं स्थापत्य कला या स्वर्ण युग। और उसके बाद हम बात करते हैं, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला करा, ठीक है। और दाहिने तट पर क्या है, शाहजहांबाद की नींव डाली, यमुना नदी के दाहिने तट पर, ठीक है। कौन सी नदी पर उसने शाहजहांबाद की नींव रखी, तो वो थी यमुना नदी। तो नदी का नाम आपको याद रखना है। और आगरा से दिल्ली इसने स्थानांतरित करी अपनी राजधानी, कब करी थी, 1638 में, 1638 ईस्वी में। कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल वही स्किप कर रहा हूँ। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जो था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया था। शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था, जहां आरा। उसने क्या कराया था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे, मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। और उसके बाद हम बात करते हैं, शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था कॉलेज का, कॉलेज का नाम था दारुल बक्का नामक, एक कॉलेज था, उसका मरम्मत कराई, एक्चुअली उसने उसका निर्माण कराया। जो मरम्मत करवाता है वो चीज़ उसकी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कुतुब मीनार के बारे में और ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, कि मुझे राजपाट चाहिए, मुझे राजपाट चाहिए, दोनों के बीच में धर्मठ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1658 में। याद रखिएगा किस किस के बीच में हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच में। और इस युद्ध में क्या हो गया, दारा की पराजय हुई। देखिए, 15 अप्रैल को युद्ध हुआ, दोबारा वो उठा, उसने दारा की पराजय हुई, दारा हार गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा वो देखिए 1 महीने बाद, 15 अप्रैल से 15 मई, मतलब कि आप लगा लीजिए कि 45 दिन के बाद कम से कम वो दोबारा युद्ध उसने लड़ा, और दोबारा इन दोनों के बीच में वार हुआ, तो इसमें अगेन उसकी हार हुई, ठीक है, और बाद में वो मारा गया। तो इस्लाम धर्म की अवहेलना के लिए देखिए क्या होता है कि फाइनली कुछ नहीं करा, औरंगजेब ने बोला कि ये परेशान कर रहा है, अब इसको मारना ही पड़ेगा किसी न किसी कीमत पे। तो इस पे क्या करा, इस्लाम धर्म की अवहेलना का इल्जाम लगाया और उसके अपराध में उसको हत्या इसकी कर दी। किसकी, दारा की। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि एक्चुअली पहले ऐसे ही होता था कि अगर मारना है तो मारना है, कोई भी धारा लगा करके उसके पे उसको मार दो। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब के बारे में देखिए जितनी बात करी जाए उतनी कम है, काफी खूंखार है, काफी नेगेटिव इंसान है, ये सब बातें हमको आती हैं याद औरंगजेब के नाम से। देखिए, औरंगजेब के हम सबसे पहले बात करेंगे शासनकाल कब से कब तक रहा। 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का क्या हुआ था, निकाह हुआ था। देखिए, निकाह वर्ड आप लोगों को शायद ना पता, उसको बोलते हैं विवाह, ठीक है। तो इसकी वाइफ का नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश करा, ठीक है। 1659 में दिल्ली में औरंगजेब ने अपना पहला कदम रखा। जो सफल रहा था उस युद्ध का नाम क्या था, देवराय युद्ध के बाद में, ठीक है। दोनों नाम आप याद रखें, देवराय युद्ध के बाद में सफल हुआ, खुश होकर के ये दिल्ली में आया, दोबारा इसने अपना राज्याभिषेक कराया। एक तो हुआ था इसका 31 जुलाई को राज्याभिषेक, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक हुआ, दोबारा दिल्ली आया, तो इसने दोबारा से 5 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया। और बात करते हैं, देखिए औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, किस धर्म को मानता था, सुन्नी धर्म को ये मानता था, और उसे जिंदा पीर कहा जाता है। किसको जिंदा पीर कहते थे, तो ये कहते थे हम लोग औरंगजेब को। आगे हम बात करते हैं, देखिए औरंगजेब ने एक कर लागू करा था, जजिया कर। शायद आपको अच्छे से पता होगा जजिया कर क्या होता था और ये किसके द्वारा लगाया गया था। इसकी शुरुआत करी थी 1679 में, ये वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, और ये किसने लगाया था, इम्प्लीमेंट किसने करा था, लागू किसने करा था, ये करा था औरंगजेब ने। उसके बाद हम बात करते हैं केवल और केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट की, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व करने वाला क्या था, गोकुला एवं सासाराम ने इसका नेतृत्व करा था। और 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुआ, गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया, और इसके बावजूद जाटों ने 1685 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह करा। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखिएगा भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता सासाराम के भतीजा था चूरामन, उसने डाली थी। उसके बाद हम बात करते हैं, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू के जो मंदिर थे उसको तोड़ने का आदेश दिया था। इसलिए इसकी जो पर्सनैलिटी है, जो नाम है इसका, इसलिए गंदा है कि इसने हिंदुओं के मंदिर को तबाह करना चाहा। और इसकी शुरुआत कब करी थी इसने, 1665 में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सबसे बड़े बड़े मंदिर, फेमस फेमस मंदिर हैं, वो कौन से मंदिर हैं, आपका
जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे, तो इन सबको इसने तबाह कराया। औरंगजेब की डेथ कैसे हुई, थोड़ी सी हम डेथ की बात करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो 1707 में इसकी डेथ हुई थी, केवल वर्ष याद करिए। और इसे खुल्दाबाद, जो अब क्या है रोजा कहलाता है, वहाँ पे दफनाया गया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या जो थी वो थी 20। सूबों की संख्या कितनी थी, तब थी 20। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो थे हिंदू सेनापति थे, सबसे ज्यादा क्या थे हिंदू सेनापति थे, और हिंदुओं का मंदिर ही है तोड़वाता था, सोचिए जरा कितनी अजीब बात है। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, किसके चिकित्सक थे, औरंगजेब के ये चिकित्सक थे। अब हम बात करते हैं मुगल शासन व्यवस्था के बारे में, कि मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था विजारत, क्या कहते थे इसको, इसको बोलते थे विजारत। और उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के शासनकाल में वजीर पद क्या था, काफी महत्वपूर्ण पद था भारत में, क्या है, जैसे प्रधानमंत्री काफी फेमस पद है, वैसे ही वजीर पद जो था बाबर के शासनकाल में काफी फेमस था। आप चेस खेलते हैं, चेस में अगर वजीर मर जाए तो राजा का कोई वैल्यू नहीं होती पूरी चेस में, तो उसी प्रकार बाबर के शासनकाल में वजीर पद क्या था, काफी महत्वपूर्ण था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया, और मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल जाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था उसे काजी कहते थे, और सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान होता था, जो घर की देखभाल रखता था, नौकर कितने काम करे, कब क्या बने, खाना कहाँ बने, किस तरह से बने, तो उसको बोलते थे मीर समान। तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, वो होता था दरोगा ए डाक चौकी, डाक डाकिया डाक लाया, डाक के करता है कम्युनिकेशन काम करता है, तो डाक चौकी, सिंपल सा इसका हिंट है आपके लिए, बहुत अच्छा हिंट है। आगे बात करते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, ग्राम कहलाती थी, और जिसे मावदा या दीही हम लोग कहते थे। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य क्या हुआ था, चकला नाम की एक नई पद्धति अपनाई गई थी, नई नीति अपनाई गई थी। और भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जो पूरी भूमि थी, समस्त भूमि को तीन भागों में डिवाइड करा था, कितने भागों में डिवाइड करा था, तीन भागों में, एक खालसा भूमि, जागीर भूमि, और दूसरी एक मदद ए मास। तो खालसा भूमि क्या होती थी, प्रत्यक्ष रूप से ये राजा के अंतर्गत आती थी, बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि क्या होती थी, तनख्वाह के बदले में जो लोगों को भूमि दी जाती थी, जैसे कि कोई सैनिक काम कर रहा है बट सरकार के पास में पैसा नहीं है तो क्या करेगी, उसको भूमि दान कर देगी, तो उसको बोलते थे जागीर भूमि। अगला जो है वो है आपका सयूरगल या मदद ए मास, अनुदान में दी गई लगनहीन भूमि, मतलब इसमें कोई लगान नहीं होता था, ऐसी भूमि को बोलते थे, इसे मिल्क भी कहा जाता था, ठीक है, भूमि देंगे आप काम करो, उसके बदले में कुछ हिस्सा आप रखो, कुछ हिस्सा हम लेंगे, बट आपसे हम लगान नहीं लेंगे। आगे बात करते हैं शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली जो पद्धति थी, उसमें राई का उपयोग अकबर ने करा था, राई एक पद्धति थी, राई पद्धति का उपयोग किसने करा था, तो वो करा था शेरशाह ने। अकबर के द्वारा करौली नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी, इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहशाला नाम की नवीन प्रणाली का उपयोग करा, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। टोडरमल बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी ये व्यवस्था, कौन सी, दहशाला नाम की व्यवस्था। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्ल प्रणाली को अपनाया और किसानों को तीन वर्गों में बांटा इसने, ठीक है, किसानों को तीन वर्गों में डिवाइड करा। पहला था खुदाबख्श, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के ये निवासी होते थे। दूसरा है आपका पाही कास्त का मतलब होता है ये दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। दूसरा था मुजारियन, तो मुजारियन क्या करते थे, ये कृषकों से भूमि किराए पर लेकर के कृषि कार्य करते थे। और अगला जो है आपका मुगल काल में रुपए का सर्वाधिक ढलाई किसने करी थी, जो कॉइन्स की जो ढलाई करी थी वो करी थी औरंगजेब के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। और आना सिक्के का प्रचलन किसके काल में स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका शाहजहाँ के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। आगे हम बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित जो सिक्का था, सोने का सबसे जो सिक्का बना था वो बना था इलाही सिक्का, ये सिक्के का नाम था। आगे हम बात करते हैं, देखिए 100 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे, ये कहते थे मनसबदार। मनसबदार मतलब कि 100 से 50
तक मनसब प्राप्त करने वाले को हम बोलते थे मनसबदार। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे सूबे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना, केवल आपको याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में कितने मनसबदार थे। टोटल थे 29 और मनसबदारों की संख्या कितनी थी, 79। और जहांगीर ने सवार पद में दो अस्पा तथा सिंह अस्पा की व्यवस्था करी। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया जाता था। अब हम बात करते हैं मराठों के उत्कर्ष के बारे में। जैसा कि हमने अब तक इस वीडियो में पढ़ा, हमने बात करी थी बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मराठों के उस उत्कर्ष के बारे में, इसका उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, एग्जाम में ये पूछता है, तो उसका संस्थापक था आपका शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ, शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। और उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि शाहजी भोसले जो थे, इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी के गुरु कौन थे, शिवाजी के गुरु कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा इनके गुरु का नाम क्या था, कौंडदेव। आगे बढ़ते हैं, देखिए शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 में लूटा था। सबसे दो बार सूरत को लूटा था, 1764 में, 1664 में और 1659 में। आगे हम बात करते हैं, देखिए पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये वर्ष पूछता है, 1665 में। महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी। महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी, ये हुई थी पुरंदर की संधि। 1672 में शिवाजी ने क्या करा था, पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। इसके बाद हम केवल केवल फैक्ट की बात करेंगे कि मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 1680 में हुई थी। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में अपने, तो उसको बोलते हैं अष्ट प्रधान, ये बोलते हैं अष्ट प्रधान। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में नियुक्त करा। ठीक है, जो उसकी राज की भाषा थी दरबार की वो थी क्या थी, मराठी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी, मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर। चोथ या सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि कर आपको एक एग्जाम में दे देता है वो किसके द्वारा लगाया गया था ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा चोथ और सरदेश मुखी जो कर था वो लगाया गया था शिवाजी के द्वारा। किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। आगे बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को दो बार लूटा था। एक व्यापारिक केंद्र था सूरत, उसको उसके ऊपर दो बार उसने हमला करा और उसको लूटा। आगे बात करते हैं, देखिए राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। और उसके बाद हम बात करते हैं, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि साहू और ताराबाई के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है, उस युद्ध का नाम था खेड़ा का युद्ध। कब हुआ था, 1707 में। कब हुआ था, 1707 में। और साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया था। 1708 में राज्याभिषेक किसका हुआ था, साहू का हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आगे है, 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। उसके बाद पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के साथ मुंगी सिवगांग की संधि हुई थी। दिल्ली पर अब बात करते हैं, आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, उसका नाम क्या था, बाजीराव प्रथम। क्या था, बाजीराव प्रथम। 1740 में बाजीराव प्रथम की डेथ हो गई थी। और बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में था। अभी बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी, रणधीर कपूर और हीरोइन उसमें दीपिका पादुकोण है। तो वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो वो मूवी देखिएगा, आपको उसमें उसका डेडिकेशन, उसका जो जील है कुछ चीज़ को पाने का, वो सब आपको साफ दिखाई देगा। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशनल मूवी भी है। आगे हम बात करते हैं, देखिए कि 1740 में बाजीराव प्रथम की डेथ हुई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु बालाजी, उसके बाद में कौन बना था, बालाजी बाजीराव 1740 में उसका पेशवा बन गया था, मतलब प्रधान बन गया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा नाना साहेब को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका बालाजी बाजीराव। आगे बात करते हैं, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी।
अंतिम पेशवा जो था वो था बाजीराव सेकंड, ठीक है। अंतिम पेशवा कौन सा जो था वो था बाजीराव सेकंड। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में हुई थी। प्रथम प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो हुआ था 1782 में हुआ था, और जो दूसरा जो युद्ध हुआ था आपको याद रखना है, देखिए आंगल युद्ध पक्का पूछता है, 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। जो तीसरा हुआ था 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1828 में मैलक के सम्मुख आत्मसमर्पण किया। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए आपको याद करना है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं फिलहाल इसमें, इस बुक में से। इसमें से भी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, जैसे कि सूरत की संधि इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पुरंदर की संधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा। उसके बाद आपको याद करना है सालाबाई की संधि, और उसके बाद आपको याद करना है केवल और केवल ग्वालियर की संधि के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पूरा ही याद करना है, स्टेट पीसी वाले बच्चों को सभी याद करना है, लेकिन आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये चार याद करिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। वर्ष याद करिएगा, सूरत की संधि कब हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि कब हुई थी 1776 में, सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, और ग्वालियर की संधि हुई थी आपकी 1817 में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, हमने ये सब कवर करा, और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये वीडियो की लेंथ 1 घंटे के आसपास पहुँचने वाली है, तो इस वीडियो को आप हो सके तो अगर अपने नोट्स नहीं बनाए हैं और बुक में हाईलाइट नहीं करा है तो इस बुक को, इस वीडियो को एक बार और वॉच करिएगा, हाईलाइट जरूर करिएगा। बुक परचेज कर लीजिए, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो ये छोटी बुक है, छोटी बुक परचेज करना, क्योंकि इसमें एक्चुअली ढंग से समझाया भी गया है, इसमें कोई करेक्शन कोई भी एरर वगैरह इसमें नहीं है, तो इसमें सारी की सारी बुक एक्यूरेट है, तो इसी बुक को हम लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपसे अगेन कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ देने के लिए तैयार है इस बुक का मुझको, तो ये छोटी सी हेल्प है, आप लोग हमारी ये हेल्प कर सकते हैं, और मैं इसके जल्द से जल्द आपके सीजन से पहले कई सारे वीडियो बना दूंगा। लेकिन देखिए एक एक पेज का स्कैन करना, पेज को फाड़ना, स्कैन करना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी देखते हैं कि कब मेरा नेक्स्ट वीडियो बनता है, जैसे ही मेरा हाईलाइट होता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं स्कैन करता हूँ मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा। जब तक हो पाता है इस चैनल को मैं चलाता हूँ, और आपका सहयोग चाहता हूँ। अगर नहीं मिलेगा सहयोग तो फिर कोई बात नहीं, देखेंगे चैनल कब तक चल रहा है, उसके बाद में मैं खुद ही इस चैनल को पूरा डिलीट कर दूंगा, अपने हाथों से सारे के सारे वीडियो सरेंडर कर दूंगा बड़ी आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। प्रेस द लाइक बटन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी ये चैनल इतने खतरे में नहीं है। अगर आपका सहयोग मिलते रहा तो ये चैनल बहुत जल्दी और भी ग्रोथ करेगा। और अगर मैं आपको बोलूँगा आपसे कि पेटीएम जैसी गुस्ताखी प्लीज़ ये ऐसा मजाक मत करिएगा कि 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 5 रुपये सेंड करें आप मुझे पेटीएम के माध्यम से, ये मत करिएगा। जब आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, इस चैनल को डोनेशन करने के लिए, तब डोनेशन करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।